हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वी के राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गेम वर्टेक्स ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, यह ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं, सारी डिटेल पर हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं गेम वर्टेक्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जा रहा है। काफ़ी कमाल का ऐप है दोस्तों, यदि आप गेमर हो तो इस ऐप को जरूर यूज करो। ओके, तो चलिए हम ओपन पर क्लिक कर देते हैं। अब ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो एक गेम है फ्री फायर मैक्स, यहाँ पे शो होने लगा। आपके पास जितने गेम रहेंगे यहाँ पे शो होने लगेंगे। यदि आपके गेम्स नहीं शो होते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ऐप्स पर क्लिक कर देना है। आपके पास जितने ऐप्स रहेंगे वह शो होने लगेंगे। ओके, यदि यहाँ पे आपका कोई गेम है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे शो होने लगेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका गेम शो नहीं होगा, यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर राइट में कुछ इस तरीके से ऊपर ये ऑल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर वी स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बेसिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो स्क्रीन को, नहीं करना चाहते तो आपको बेसिक या फ्री फायर मैक्स पर क्लिक कर देना है। ओके, चलिए हम बेसिक पर क्लिक कर देते हैं और सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए हम यहाँ पे गेम में चले गए हैं और फ्री फायर पर हम क्लिक कर दिए हैं बेसिक वाले ऑप्शन पर। उसके बाद हमारा जो फ्री फायर गेम्स है ओपन हो चुका है। ओके, अब इसका काम क्या है, जो हमने ऐप यूज किया है, यहाँ पर हम साइड में स्लाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ से हम अपने गेम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो हम गेम को बैलेंस मोड पे खेल सकते हैं, लो पावर मोड पे खेल सकते हैं। तो जो हमारा फ़ोन का परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ से शो होगा। ओके, इसी तरीके से गेम फोकस मोड भी इनेबल कर सकते हैं। जब हम इनेबल कर देंगे तो हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा और यहीं से हम ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब गेम के पूरे ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया गया है और वॉइस चेंजर पर हम क्लिक करते हैं तो बताया जा रहा है कि वॉइस चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि आपके गेम में ये सपोर्ट नहीं दिया गया है। ओके, अब यदि आप टच ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो यह भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्वाइप का ऑप्शन है, तो आप अपना स्वाइप स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मतलब बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ओके, आपका गेम इम्प्रूव हो जाएगा यदि आप इसको यूज करते हो। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप सभी सेटिंग को अप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। ओके, तो कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और वीके राज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।